हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ वो है विश केयर का कोल्ड प्रेस्ड 100% प्योर नीम ऑयल। तो इसे मैंने मंगाया था इसलिए बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ प्रॉब्लम। सो वेदर ये मेरे ऊपर काम किया या नहीं किया ये मैं आपको बताऊँगी, इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राइस की बात करें तो 400 MRP है, बट आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी साइट से खरीदें या उनके खुद के साइट से लें या अमेज़ॉन के साइट से लें तो ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी। ठीक है, और ये 100% प्योर नीम ऑयल है। ठीक है, ये देखिए इनका कहना है कि नीम ऑयल इज़ कोल्ड प्रेस्ड फ्रॉम प्रीमियम क्वालिटी फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ नीम डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ 100% प्योर है, नेचुरल है और कोई भी मिनरल ऑयल्स से फ्री है। ठीक है, और स्प्लिट एंड्स में भी हेल्प करते हैं और सर्कुलेशन अच्छा करते हैं स्कैल्प की, एंड ऑल्सो क्योर्स कॉमन स्कैल्प का प्रॉब्लम्स जो भी रहता है, जैसे कि इन्फेक्शन है, ईचिंग है और डैंड्रफ भी हो गया। तो इन्होंने मेंशन नहीं किया डैंड्रफ, लेकिन डैंड्रफ भी है, नीम ऑयल डैंड्रफ में भी हेल्पफुल होती है। रिंकल फ्री करने में हेल्प करते हैं, फाइन लाइंस में हेल्प करते हैं, स्कार्स हुआ, स्ट्रेच मार्क्स एंड पिगमेंटेशन ये सब में हेल्पफुल है। और इनका कहना है कि द नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो इसमें है वो ग्रेट है फॉर फाइटिंग एक्ने। ठीक है, सो ओवरऑल यू गेट अ हेल्दियर एंड यंगर अपीयरेंस। सो इनका कहना ये है फॉर हेयर एंड स्किन। पे भी देखिए कुछ सर्टिफिकेशन है, क्रुएल्टी फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, 100% नेचुरल है और GMP सर्टिफाइड है। ठीक है, ओके, सो यूज़ कैसे करना है इनका है, डायरेक्शंस दी हुई है। जैसे 2-3 ड्रॉप्स आपने अपने पाम में ली, हथेली पर ली एंड आपने अपने क्लीन हेयर पे लगा ली, स्किन पे या फेस और बॉडी, और फिर कुछ 2-3 घंटों के लिए रखा एंड देन वॉश कर लिया। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस बिफोर कमिंग ऑन कि मुझे क्या बेनिफिट्स हुई। इसका स्मेल जो है वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है एंड पंजेंट स्मेल है। तो हो सकता है बहुतों को आप लोगों को स्मेल पसंद है, डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए मंगाई थी और मैं इसको क्या करती थी, 2-3 ड्रॉप्स हथेली पर लेकर डायरेक्टली स्कैल्प में मसाज करती थी, और समटाइम्स मैं क्या करती थी कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाती थी। सो इसको मैंने रेगुलरली 4-6 हफ्तों तक यूज़ किया, मुझे विजिबली ये नोटिस हुआ कि डैंड्रफ मेरी कम हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हो गई है, अभी तक इट इज़ स्टिल देयर, लेकिन जो जैसे पहले हुआ करती थी उससे काफ़ी कम है। ठीक है, और दूसरे पॉइंट मैं ये बताऊँगी, ईचिंग है, रैशेज है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल में इसे 2-3 ड्रॉप्स मिलाकर आप उसको लगा सकते हैं जहाँ पे भी आपका कि हाँ थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन मिला। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको कहीं पे भी जैसे स्ट्रेच मार्क्स है और बॉडी पे कैसे कैसे पिगमेंटेड मार्क्स रहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, तो आप ये क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल में ही, कोकोनट ऑयल जो कि हमें पता है कि कोई भी तरह का स्कार्स हुआ या फिर दाग धब्बे हैं उन्हें लाइटन करने में बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप क्या 2-3 बूंद कोकोनट ऑयल में मिलाकर उसे रख दें एंड देन अपनी जो भी बॉडी पे दाग धब्बे, स्ट्रेच मार्क्स है, टैन है, पिगमेंटेशन है, आप उन जगहों पर लगाइए और आपको समझ में आएगा गाइस कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको समझ में आएगा जो भी दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल लाइट होना शुरू होंगे, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया है तो मैंने देखा है कि हाँ दाग धब्बे लाइट होते हैं। और रही बात एक्ने की बात कर ले, तो एक्ने पे मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, सो स्केप्टिकल यूजिंग इट, क्योंकि ये ऑयल फॉर्म में है और अगर मैं एक्ने पे लगाऊंगी तो आई नहीं किया क्योंकि आई डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। सो ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कलर कैसा है इस ऑयल का। इतना ही, फिर मिलते हैं। Till then, take care, bye bye, and subscribe to my channel if you like the video.